संगठन में जुड़ने के लिए कुल 6 देशों को न्योता दिया गया है। इसमें अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इस्तोपिया और ईरान शामिल हैं। ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के परमानेंट सदस्य बन जाएंगे। आपको बता दें कि सिरिल रामफोसा ने बताया कि पहले फेज की बैठक में इन सदस्यों को संगठन का मेंबर बनने का आमंत्रण दिया गया है। जिन देशों को ब्रिक्स का न्योता मिला है उन्हें पीएम मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा, भारत ने ब्रिक्स में विस्तार का हमेशा समर्थन किया। इन सभी देशों से हमारे गहरे और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। वहीं भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया भर से मिल रही बधाइयों पर सबका आभार भी जताया। ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी ने कहा कि भारत का प्रयास सफल हो गया है, यह वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए दुनिया भर से बधाई मिल रही है। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्योर पर सहमति बनाई है। तो G20 के व्यापार और निवेश मंत्रिमंडल स्तरीय समूह की 2 दिवसीय समिट आज से 1 सितारा होटल में शुरू हो गई है। समिट की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान G20 सदस्य और आमंत्रित देशों के बीच 5 प्राथमिकता वाले मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, यूरोपीय संघ, कोरिया, गणराज्य तुर्की, सऊदी अरब, फ्रांस, बांग्लादेश, मिस्र, नीदरलैंड, ओमान और सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार मंत्री भाग लेने आए हुए हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू जयपुर, द पिंक सिटी। दिस रीजन इज नोन फॉर इट्स डायनेमिक एंड एंटरप्राइजिंग पीपल। फ्रेंड्स, throughout history trade has led to exchange of ideas, cultures and technology. It has brought people closer. Trade and globalization have also lifted hundreds of millions out of extreme poverty. Excellencies, today we see global optimism and confidence in the Indian economy, the 5th largest global economy. This is the result of our sustained efforts. We embark on the journey of reform, perform and transform in 2014. We have increased competitiveness and enhanced transparency. We have expanded digitization and promoted innovation. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कैसे बढ़े, कैसे समृद्धि पूरे विश्व में जाए पहुंचे,
कैसे विकासशील देश और कम विकास वाले देशों का भी विश्व व्यापार में योगदान बढ़े, कैसे सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग एमएसएमई सेक्टर को हम और प्रोत्साहन दे सकें, और साथ ही साथ जो विश्व व्यापार संघ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे मजबूत बनाएं, उसके जो तौर तरीके हैं, कानूनी प्रावधान है, उनको कैसे विश्व के सभी देशों के लिए लाभदायी बना सकें।